Hey guys, welcome back to Vikram Tutorial. देख पा रहे हैं कि एलजेब्रा के लास्ट क्लास में हम लोग पहुंच चुके हैं और उम्मीद करते हैं ये लास्ट वाला वीडियो भी पसंद आएगा। उसके बाद हम लोग नया सीरीज फिर शुरू करने वाले हैं, तो देखते रहिएगा, कहीं जाइएगा नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का 64वां नंबर क्वेश्चन। द्विघात समीकरण पर आधारित है, ठीक है। तो एक बार बता देते हैं द्विघात समीकरण के लिए, द्विघात समीकरण का जो फॉर्मूला होता है किस तरह होता है, इसका मेन रूप जी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो है कि नहीं। तो इसका मूल बराबर होता है मूल बराबर होता है माइनस बी, जिसको हम लोग हल कहते हैं, हल जिसको कहते हैं एक्स, एक्स निकालना। तो हमारा था माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी और बाय टू ए, जहां डी बराबर क्या होता है जी, बी स्क्वायर माइनस। बस अब कुछ नहीं करना है, अब सवाल पे देंगे। सवाल नंबर 64। तो 64 में क्या बोल रहा है जी, 64 में बोल रहा है कि सतत दो विषम संख्या का गुणनफल क्या है जी, सतत दो विषम संख्या का गुणनफल। तो विषम मतलब एगो अगर x है तो दूसरा x प्लस टू है, यही ना। इसका गुणनफल दे दिया बाबू भैया, x गुना x प्लस टू कितना दिया है, 67। ठीक है जी, ठीक है। अब एक चीज दिमाग में रखेंगे, क्या सर, क्या इतना गुण करो तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इससे बढ़िया कि कुछ पुट कर देते तो ज्यादा बेहतर होता है। यहाँ तो पुट कर देते, यहाँ पे ऑप्शन वन बोल रहा है कि छोटी संख्या का वर्गमूल है, वर्गमूल। तो अगर छोटी संख्या का वर्ग ले लेंगे, अगर 61 लेते हैं, ठीक है, इकसठ लेते हैं, इकसठ का स्क्वायर कितना हो जाएगा, एक छुना बारह ना जी, बारह एक छत्तीस इक्कीस लेते छोटी संख्या, तो बड़ी संख्या कितना हो जाएगा, 37 23। तो 37 21 और गुना सॉरी 37 और 23 गुना करेंगे तो 2 3 कम 3 ही लगता है आ रहा है, बोलिए तो कुछ नहीं बोले। तो इतना बड़ा संख्या कभी आएगा क्या, हैं? इतना बड़ा संख्या आएगा, इससे बड़ा संख्या आएगा, बहुत ज्यादा आ गया। ओ तो कहाँ 61 कहाँ था ऑप्शन में, ज्यादा उधर वाला ले लिए थे क्या। तो पहला ऑप्शन है ए नंबर, ठीक है, ए नंबर में क्या है आपका 9। तो 9 का वर्ग कितना हो जाएगा, 81। तो अगर ये एक छोटी संख्या का वर्ग है, ठीक है, छोटी संख्या का वर्ग है, वर्गमूल होगा तो फिर 9 हो जाएगा, फिर तो दिया हुआ ऑप्शन में। तो इसका मतलब एगो 81 होगा, एगो 83 होगा, बात समझे कि नहीं। तो 81 और 83 गुना करने आता है क्या, हाँ। तो 3 एकम 3 8 3 एकम 3 8 24 और 8 4 12 हो रहा है 64। तो हो गया 3 8 4 12 4 2 6 7 8 6 अरे हो गया आंसर। तो पहला ऑप्शन हो गया ए नंबर, ठीक है, 9 है। लेकिन बनाना हो तो कैसे बनाएंगे तो वो दिखा देते हैं, ठीक है बाबू, उतार लो फटाफट, समझ में आ गया ना कैसे किए, ऑप्शन ही रखे थे। लेकिन हम लोग अगर नहीं, अगर आता है इस तरह का नहीं आता है तो हम लोग बनाने सीखेंगे। ये क्या हो गया जी, एक्स स्क्वायर, ये क्या हो गया प्लस 2x माइनस 67 23 बराबर कितना। तो हमारा हमको x निकालना, तो x बराबर क्या पड़े जी, माइनस बी, बी के जगह क्या है 2 और कितना होता माइनस प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर मतलब कितना हो गया 4 माइनस 4ac, फोर ए के जगह, ए के जगह 1, सी के जगह 67 23। तो माइनस माइनस था ना, ये हो जाएगा प्लस, तो हो जाएगा बटे कितना 2a, यानी 2 × 1 तो 2 हो जाएगा, तो हो जाएगा माइनस 2 प्लस माइनस रूट अंडर 4 4 गुना 4 जोड़ और इतना हो जाएगा 3 × 12 और 4 × 8 अरे 9 और 7 × 28 7 × 28 और कितना था 29 अरे 4 × 12 7 × 28 हाथ में 2 24 और 1 25 और 2 26 हाँ बाप रे, और बटे
तो माइनस टू प्लस माइनस ये कितना हो गया 26 छियानवे 26 आठ आठ छियानवे यही ना। इसका वर्गमूल कितना होता है बताइए, कितना होता है इसका जी, कितना होगा 136 है। तो ये हो जाएगा आपका कितना, कोई बोल फोन 136 136 या 136 कितना होता है, तो 81 81 दुना कितना होता है, 81 दुना होता है 162 162 164 हो गए, तो 164 होगा माइनस टू प्लस माइनस 164 और बटे कितना दो, तो हो जाएगा 164 में माइनस लगा इग्नोर कर देते, 164 में दो गया 162 और बटे कितना, ठीक है तो हो जाएगा कितना 81। तो यही छोटी संख्या निकल गया, इसका रूट अंडर पूछ रहा है 81। तो इतना पापड़ बेलोगे क्या, कभी करना इस तरह का माथा खराब हो जाएगा जो तो का। इसलिए जब भी कोशिश करना तो क्या करोगे, डायरेक्ट हिसाब में द्विघात समीकरण जब भी बनाना है तो क्या बनाओगे, ऑप्शन लेकर के, ठीक है समझ में आई कुछ बात अंदर। देखो ये वर्गमूल दिमाग खराब कर दिया, लेट लग गया, टाइम खा गया है कि नहीं, क्या करोगे बाय ऑप्शन में। क्या बोला था क्वेश्चन में, छोटी संख्या का वर्गमूल है तो छोटी संख्या का वर्गमूल कितना, अगर 9 है तो वर्ग कितना होगा उसका, वर्गमूल है। अरे छोटी संख्या का देखो, छोटी संख्या का वर्गमूल कितना दिया 9, छोटी संख्या कितना है इसका मतलब 9 का स्क्वायर यानी 81। अब रे बुझे, इस तरह से ले लेना है दिमाग लगा के, क्लियर है कि नहीं बोलो ना। तो लेट लगा कितना, टाइम खा गया झूठो मूठो का। अब हम लोग बढ़ते 64 खत्म कर दिया आसानी से, 65 बना पाओगे क्या तुम लोग, 65 बना पाओगे, 65 नंबर में क्या बोला जी, 65 में बोला बहुत उसी तरह का एकदम, 65 भी एकदम आसान है, बोलता है लगातार दो विषम संख्या गुणनफल, सेम टू सेम जैसा नहीं लग रहा है, एक्स इंटू एक्स प्लस टू बराबर कितना 40 55, कोई दिक्कत। अब क्वेश्चन में क्या बोला, बड़ी संख्या, अरे बाबा अरे बाबा, बड़ी संख्या जो लेंगे ऑप्शन से, देखिए बड़ी संख्या जो लेंगे छोटी संख्या उससे क्या हो जाएगा, दो कम हो जाएगा। तो बड़ी संख्या ऑप्शन नंबर हम लेते हैं पहले 61 लेते हैं, बड़ी संख्या 61 होगा तो ये कितना होगा, गुणनफल कभी भी 9 वाला है यहाँ पहला, ये वाला ऑप्शन खत्म खत्म। दूसरा लेते हैं, अगर हम ले लेते 63, अगर बड़ी संख्या 63 ले लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा 61, कहीं लग रहा है ये वाला भी खत्म हो गया। अब हम लोग तो लेते हैं 57 अगर बड़ी बड़ा लेंगे तो दूसरा क्या होगा 55, ये आ सकता है 735 आ रहा है, लेकिन होगा कि नहीं होगा अभी देख लेते हैं, गुना करके 735 साथ में 3 और 55 3 28 फिर वही 285 ना जी, सेम सेम तो होगा ना, 5 8 5 13 और ये 2 8 10 और 1 11 31 35 है क्या, इसका मतलब ये भी क्या हो गया, तो लास्ट में एक ही बचा तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, लेकिन हम फिर भी कर देते हैं, 65 का बड़ी संख्या है तो 63 हमारा छोटी संख्या होगा, तो कितना हो गया 5 3 15 1 6 3 18 1 19 6 5 36 और 6 4 36 दिन 39 कहाँ जाएगा नूनू बच करके, कहाँ जाएगा है, कहाँ बच के जाएगा, आंसर हो गया। तो वो बड़ी संख्या कौन सी है जी, 65। मजा आया कि नहीं, तो हम लोग अगर वो अंदर फिर करेंगे वही गुना गुना करके दिमाग लगाएंगे तो द्विघात समीकरण बना के दिखाएंगे, तो क्या लगता है बनने में कितना देर लगेगा, अभी लग रहा हो कि ये भी तो सेट करने में ढेर लग गया, ऐसा नहीं होता है बहुआ, दू गो सामान छूबो नहीं करते, बोले कैसे, देखिए यहाँ पे दू गो सामान नहीं छूते, 61 और 59 हम मन मन देख लेते कि 9 वाला और होबे नहीं करेगा, 3 और 1 63 61 वाला होबे नहीं करेगा, मन मन सोच लेते, तो दू ये ना गो सामान चेक करते बहुआ, तो गुना भाग इसलिए बोलते हैं सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, गुना भाग, जहां भी हम सब क्लास में की चीज बोलते हैं सबसे इम्पोर्टेंट कौन सी, गुना भाग, जहां भी जरूरत होता है कौन सी पड़ता है, ए बुआ क्या पड़ता है, क्या सोच रहा है नीनू, अरे तुम्हारे तो बल्ले बल्ले है, दो जगह अगर मेहनत करके पढ़ोगे तो तुम एकदम हीरो बन जाओगे सबसे, जान लो आज तुम्हारा दिन नहीं है तो क्या हुआ, एक दिन तुम्हारा भी दिन होगा, कहना ना हर
आदमी का दिन आता, हम तो अभी सात दिन होता है, सात ही दिन में, सात दिन काफी है, एक दिन का तो जरूरत होता है, एक सेकंड का। 66 नंबर देखे हैं, 66 नंबर देख लें तो 66 नंबर में क्या बोला, ऊँटों का एक झुंड का, ऊँटों के एक झुंड का एक उठे चार बार, तो कितना था x था पहले ना जी, पहले कितना था x। अगर मान लेते हैं झुंड अगर x है तो इसका एक बटे चार मतलब x बटे चार कहाँ देखा गया, बेचारा जंगल में देखा गया, क्लियर। झुंड के वर्गमूल का दुगुना, ए झुंड का वर्गमूल रूट अंडर एक्स का दुगुना कहाँ देखा गया, पहाड़ पर चला गया, ठीक है। शेष 15 ऊंट, ए शेष 15 ऊंट कहाँ देखा गया, नदी किनारे, यही ना। तो इसका मतलब बाबू भैया क्या हो गया जी, पहले कितना था एक्स और उसके बाद कितना हो गया x माइनस चार, फिर कितना चला गया, सिर्फ इतने बचा उसके, तो गड़बड़ा गया क्या, मतलब शेष बचा तो बचने वाला, इसका मतलब चला गया तो बचा कितना, कितना बचा, तीन एक्स बटे चार बचा ना जी, और फिर क्या बोला, और क्या बोला, कुछ बोला, एक बटे चार जंगल में देखा गया, जंगल में देखा गया, बताइए ऊंटों की कुल संख्या कितनी थी, तो बोलता है ऊंटों का झुंड एक बटे चार जंगल में देखा गया, झुंड के वर्गमूल का दुगुना पहाड़ पर चला गया, पहाड़ पे चला गया, शेष 15 ऊंट तो जंगल पहाड़ हो गया, तो इसका मतलब कितना चला गया, x बटे चार और प्लस रूट टू एक्स, नहीं सॉरी टू रूट एक्स, टू रूट एक्स बाय टू रूट एक्स, तो ये हो गया हमारा कितना में, एक्स में, एक्स में करा दिए तो शेष हमारा यही बच गया डायरेक्ट, कितना, तो सॉल्व ऑप्शन कर दो ना जी, ऑप्शन में पुट कर दो, ऊंट की संख्या हम 60 रख देते हैं, रख दें, हाँ सर, तो 60 नहीं रख सकता, पूछो का है, पूछो का है, क्योंकि 60 रखने पर ये रूट अंडर निकल पाएगा, बेचारा देखो वहां पे ऑप्शन से पता चल रहा है कि कभी भी ये वाला हम जैसे ही देखे ना, तो हमारा जब भी होगा यहाँ रूट अंडर तो निकलने वाला होना चाहिए, तो 60 तो नहीं निकल पाएगा, 30 भी नहीं निकल पाएगा, 72 भी नहीं निकल पाएगा, 36 निकल जाएगा, तो 36 रखते हैं, 36 माइनस 36 9 हो गया, और यहाँ पे 6 निकलेगा, 6 9 12 हो गया, बराबर 15 नहीं आएगा कि 12 9 के 15 चलता, अरे कहाँ जाएगा नुनू बच करके, कहाँ जाएगा, कहाँ जाएगा, कुछ पल्ले पड़ा कि नहीं, पंकज का नहीं पड़ा, बोल तो चलो कोई बात नहीं, हम अभी ठीक ठाक कर देते हैं, टेंशन मत लो, क्योंकि हमारा काम ये बेहतर को बेहतरीन बनाना और कमजोर को हीरो बनाना, अब यही हमारा डायलॉग है, पहले कमजोर पे नहीं देते थे ध्यान तो कैसे बनता हमारा बच्चा महान, तो ले अब ध्यान देंगे और महान बना के छोड़ेंगे, तो बस यही ध्यान रखना, एक दिन कलसवा मत छोड़ना, छुट्टी अपने दी है नहीं, जब गणेश पूजा का छुट्टी दे रहे हैं, विश्राम जब छुट्टी दे रहे हैं, तो इतना जब छुट्टी दे रहे हैं तो फिर भी छुट्टी क्यों मार देते हैं, और पैसा लगा 400, इसका मायने समझो है कि नहीं, तो बाबू ये फिर से समझा देते हैं, हाँ देखिए यहाँ पहले कितना था ऊंट का झुंड, कितना था जी, एक्स को एक्स ऊंट था टोटल, चला गया ये कहाँ पे, जंगल में चला के देखा गया, ये पहाड़ पे देखा गया, ठीक है, तो कितना देखो ये कितना बार चला गया, एक्स प्लस एक्स बटे फोर और प्लस टू रूट एक्स, यही ना चला गया इधर उधर, तो शेष बचा कितना, तो शेष पूरा में अगर ये वाला घटा देंगे तो शेष बचा कितना 15, बाकी वो हम बैठा दिए, हम एक्स का मान बैठा दिए 15 आना है, जो वाला बैठाएंगे तो रूट अंडर एक दिख रहा है, रूट अंडर कभी तभी निकल पाएगा जब वो निकल सकता, 60 तो नहीं निकलेगा रूट अंडर से, निकलता है क्या, कैसे करोगे, वर्गमूल नहीं निकल पाऊंगा, 36 का वर्गमूल 6 होता है, 72 का नहीं निकलेगा, फिर उधर दूसरा का निकलेगा, तो रूट निकले तो रूट में इधर आना चाहिए ना, 15 वाला रूट में रहना चाहिए था ना, तो इस तरह से देखना होगा, ठीक, तो लिख लेना बाबू ये वाला खतरनाक था, ए डेंजरस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये है एनएमपी क्वेश्चन, नौकरी प्रश्न, ठीक है जी, एनएमपी प्रश्न अपडेटेड प्रश्न, चलिए आगे बढ़ सकते हैं, हाँ मन लग रहा है ना, तो इसका मतलब एनएमपी प्रश्न खत्म, तो हम आगे बढ़ते हैं, 67 नंबर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी एनएमपी वाला प्रश्न, 67 नंबर में क्या बोला, 60 छात्रों की कक्षा में प्रत्येक लड़के ने कक्षा में लड़कियों की संख्या के बराबर रुपया दिया,
अच्छा अच्छा, तो 60 तो छात्र है, कितना है 60, लड़का कितना है, लड़की कितना, 60 माइनस एक्स, ठीक है। तो लड़का जितना दिया उतना ही लड़की पैसा दिया, तो मिलाकर कितना हो गया टोटल पैसा, लड़की बराबर लड़का दान। हाँ, लड़कियों की, लड़के ने लड़कियों की संख्या के बराबर रुपयों का दान दिया, लड़का ही या लड़की के बराबर रुपये का दान किया, तो टोटल इतना रुपया हो गया कि नहीं। तो लड़कियों की संख्या तो तथा प्रत्येक लड़की ने कक्षा में लड़कों की संख्या के बराबर रुपये यदि कुल, तो फिर बोला कि लड़की जितना है बहुआ वो लड़कों के बराबर रुपये दान दिया, तो दान कितना हो गया टोटल, सर 20 है क्या सर, 1600 है क्या, होगा ना, कैसे तुमने बनाया, तो ये वाला दो बार चला गया, ये वाला दो बार चला गया, तो एक बार लिखे तो हो जाएगा x इंटू 60 माइनस एक्स, और दो उधर भाग दे दिया कितना हो गया 800। फिर आप बैठा दीजिए कौन सी वाला क्वेश्चन, मामला लड़का पूछा जी, कैसा लड़का, तो लड़का मान लीजिए ना, पहला ऑप्शन मानते हैं, पहला ऑप्शन में कितना है जी लड़का, कितना 50, अगर ये 50 तो मतलब कितना हो गया 10, नहीं होगा पहला ऑप्शन, कोई दिक्कत। दूसरा में जाते हैं, 20 लेते हैं, 20 अगर ये 20 है, 20 और ये हो गया 40, अरे रे रे कहाँ जाएगा, नो नो बी नंबर 20, राजू बाबा तुरंत फटाक आंसर बता देते हैं, वाह राजू वाह, राजू है टैलेंटेड लेकिन काम नहीं लेता, बेचारा सब कर लेता है काम, बड़े बोलता है हम सब कर लेते हैं, जितना दुनिया का सब काम है हम कर लेते हैं, है? देखा सब में रौनक आ गया, तुम्हारे अंदर तुम रहता है लड़ुआ, सब रहता है लड़ुआ, है तो तुम्हारे अंदर कितना सोच लो कि कितने अंदर पड़ता है तुम्हारा, तुम छोड़ दोगे एक क्लास बैच बंद हो जाएगा, देखना तो हर तुम्हारे ऊपर तक है, उसके बाद बैच बंद ही होगा, मजाक की बात बोल रहे हैं, हम खुद नहीं चलाएंगे बैच, तुम्हारे अनुसार चला रहे हैं, खाली तुमको देख रहे हैं कि ग्रुप डी, खाली जिस दिन ग्रुप डी एग्जाम खत्म उस दिन ये क्लास खत्म, अपडेटेड खत्म, न्यू बैच बनेगा, एसएससी जीडी जिस दिन एग्जाम होगा एसएससी जीडी बैच खत्म, नया बैच बनेगा वो अलग होगा, लेकिन ये नहीं चलेगा, ठीक है, हम हमारा, हाँ अगर रिजल्ट दे दिए, रिजल्ट दे दिया भविष्य में अगर कभी पढ़ने का दो चार महीना पड़ेगा तो एसएससी पढ़ाएंगे, ठीक है, सबको फ्री में, फ्री में नहीं पढ़ोगे तो पैसा देके पढ़ोगे तो और बढ़िया होगा, तो ऐसा पढ़वे नहीं करोगे तो, मैंने सब तो पढ़िए नहीं है, तो चलो खाली ग्रुप डी तक जिस तरह हो हमको रिजल्ट दे देना, ठीक, सबको यही बोलते हैं, 68 नंबर भी तो बन ही जाएगा कि नहीं बनेगा, ये सब हम बने ये दें, तीन क्रमिक पूर्णांकों के वर्गों का, ये देखो पहला अगर एक्स है, दूसरा एक्स प्लस वन है, तीसरा एक्स प्लस नहीं जी, खाली बस बैठा देना है जी, तो बोला एक्स का स्क्वायर और प्लस एक्स प्लस वन का स्क्वायर और प्लस ए प्लस एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर, कितना दे दिया ये, कितना दे दिया 20-30, तो बोलता है बीच वाली संख्या क्या है, बीच वाली संख्या हम मान लेते हैं ऑप्शन से लेंगे, बहुआ 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 बीच वाली संख्या ऑप्शन में लेंगे, पहला ऑप्शन लेते हैं, अगर बीच वाली संख्या अगर 25 लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा, अरे ये कितना हो जाएगा 24 में हो जाएगा, हैं तो 24 का स्क्वायर कितना 576, ये हो गया 25 हो गया, तो 25 का स्क्वायर कितना होता है 625, और ये कितना हो जाएगा 25 और एक 25 और दो ना ना 26 होगा ना, ये x प्लस वन है, ये x है ना, x का मान 24 था, 24 26 26 का स्क्वायर 676, तो 676 मतलब 6 5 11 6 17 का ये ना उपाय, बीच वाली संख्या लिए 25, तो ये x का मान कितना हो जाए 24 ना होगा, कुछ बुझे पंकज का लगता पल्ले नहीं पढ़ पा रहा लगता, अरे बैठा कैसे समझे ना आया कैसे की पाला क्रमिक का मतलब लगातार संख्या, अगर एगो 20 है तो दूसरा 21 होगा तीसरा 22 होगा, इस तरह से क्रमिक का मतलब इस तरह से होता है, ठीक, तो अगर एक्स ली तो एक्स प्लस वन ली, और इसका वर्ग का देखो यहाँ पे पंकज वर्ग का योग, वर्ग तो इसका वर्ग एक्स का स्क्वायर एक्स प्लस वन का स्क्वायर और एक्स प्लस टू का स्क्वायर, सब मिला के कितना 20-30 क्या रहा होगा, तो ये 25 अगर 20 वाली संख्या, क्योंकि 20 वाली संख्या पूछा तो बीच वाली संख्या मान लिए ना 25, तो 25 जब ये x प्लस वन है तो ये ऑटोमेटिक x का मान 24 है, तो ये 26 है, हम देखेंगे 6 5 11 6 17 हमारा सुनना चाहिए, सुनना नहीं आ पाया, चलो ये खत्म, अगर हम लेते हैं 26, तो 26 लेंगे तो ऑटोमेटिक है 25, ये हो जाएगा 25 का 625, उसके बाद ये 676 729, तो यहाँ पे 9 6 15 5 20, ये अनेक संभावना लग रहा है
सुनवा गया तो जोड़ना पड़ेगा, तो 20 हो गया हाथ में, और दो और सात नौ, और नौ दो ग्यारह दो तेरह, लग रहा आने संभावना है। एक छह छह बारह सात उन्नीस, अरे अरे कहाँ जाएगा नुनवा बच करके, बीच वाली संख्या 26 है। देखिए दो ही ऑप्शन में चेक करना पड़ा, लेकिन मूर्खा सा फिर नहीं करना, मूर्ख जैसा चेक नहीं करना। सुनो वाले बात, इनके असरवा आ चुका बोले चेक कर ही देखे तो बहुत, हम भी रियल बताते हैं, कभी कभी ऐसा होता है ना कि देखते हैं दोनों समय में इधरों ने ना जाता है कोनो, तो ऐसा मूर्ख वाली बात है। अगर आप चेक करें तो आपसे ज्यादा मूर्ख हमको नहीं लगता वो कालिदास होगा। कालिदास से कहने सुने थे कि नहीं, जिस डाली पर बैठा था उसी डाली को काट रहा है, इससे ज्यादा मूर्ख हमको नहीं लगता धरती पर होगा। इतना पागल तो हमको आज तक नहीं लगता कोई मूर्ख होगा, पागल मूर्ख दोनों था। कहानी सुने ना कालिदास वाला, कालिदास का कहानी सुने हो कि नहीं, सुना दे जरा, सुने हैं कहानी कालिदास का जो है ना। कालिदास की कहानी है कि एक बहुत बड़ा महारानी रहती थी, ठीक है, तो महारानी रहती थी, तो वो जो है बहुत सारे ब्राह्मण आए कि हमको, कि हम स्वयंवर रच रहे हैं, जो भी हमको शास्त्र में हरा देगा या शस्त्र में हरा देगा हम उसी की पत्नी हो जाएंगे। तो बहुत सारा राजा महाराजा तो आए, लेकिन कोई भी उससे जीत नहीं पाए, तो जीत नहीं पाए तो उसको बहुत बेइज्जत कर दिए वो महारानी, तो बहुत बेइज्जत कर दिए। सब आया मतलब ब्राह्मण, ब्राह्मण लोग बोला कि ऐसा चीज करते हैं जो सबसे ज्यादा मूर्ख होगा धरती पर उसी को लेके आएंगे और महारानी से शादी करवाएंगे। तो वो खोजने निकल गया सब सब दिशा में देखा कि एक लड़का है मतलब आदमी है, और जिस डाली पे बैठा उसी डाली को काट रहा है। तो उसे बोला, पहले बोला कि आओ नीचे उतरो, बोला कि कहां नीचे उतरेंगे, बोला शादी करा देंगे तुम्हारा। तो गदगद हो गया, तो शादी के नाम पे आज भले लोग गदगद हैं, लेकिन शादी के नाम पे बहुत गदगद होता था कि शादी हमारा करा, क्योंकि शादी इतना आसानी से नहीं हो पाता था। तो शादी उसका कराने, तो बोला कि हाँ हाँ उतर गया, उसको लेके गया। तो बोला कि ये जो जवाब देगा वो बोल के नहीं देगा, उसका जवाब हम लोग देंगे। तो रानी उठाया एक उंगली, तो इसे जाके हमारा एक उंगली, हमारे एक अंखिया फोड़ते हम, वो किया कि बोला दो उंगली उठा दिया, बोला दो अंखिया हम फोड़ दो महारानी से। तो उसका अर्थ वो लोग ब्राह्मण लोग लगा चुका था। तो इस तरह से उस शास्त्र में वो हार गए, मतलब महारानी हार गई, तो शादी कराना पड़ा। अब शादी तो हो गया, रात में जब पता, रात में जब होता है मतलब सुहागरात जब था, तो दोनों पता चला कि तो बोले सबसे बड़ा मूर्ख ही आदमी से शादी कर दिया, उसको पूरा बेइज्जत करबो किया, पूरा एकदम लपेटा और भगा दिया उसको वहां से, कालिदास को। तो वो कालिदास क्या हुआ, गया काली माँ का मंदिर के पास, पूरा एकदम झूने लगा, बोला हमको इतना बेइज्जत किया, हमको ऐसा कुछ दीजिए, हाँ पूरा आज पटक पटक माथा पटक पटक के आज मरिए जाएंगे एकदम, समझे ना। काली माँ प्रकट होके बोले कि क्या चाहते हो, बोला कि हमको ऐसा शस्त्र में ज्ञान दीजिए कि हम उसको हरा सकें, ठीक है। तो उनको काली का कृपा हुआ, इसलिए उसका नाम पड़ा था कालिदास। तो वहां का कहानी बहुत, तो बहुत बड़ा विद्वान बना, तब लिखा रघुवंशम विक्रमोसियम, तो पूछता क्वेश्चन की रघुवंशम के रचनाकार कौन है, तो कालिदास। तो कालिदास के भी बहुत बड़ा कहानी है। तो जो पढ़ा होगा, जो संस्कृत का ज्ञान, जो पहले संस्कृत हम लोग पढ़ते थे, कहानी पढ़े थे, बड़ा जबरदस्त लगा था। तो उस तरह से ढंग से किताब उलटाने वाला कौन मालूम था, 10 में नहीं था, 6-7-8 में था उस समय। किताब उलटाने वाला कितना था, जितना किताब उलटाएगा उतना ज्ञान बढ़ता है, वो विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद। तो विवेकानंद जी का भी कहानी बाद में बताएंगे, लेकिन अभी पढ़ा लेते हैं। तो इसी तरह से दिमाग रखना है फटाफट, समझे कि नहीं समझे। तो इसलिए मूर्ख जैसा नहीं करना है, वो हम बता रहे थे मूर्ख वाला कहानी। तो ध्यान रखना है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में फोकस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इस प्रकार से है, 68 के बाद 69 ना जी, सब हम बनाते कि तुम एक होमवर्क ने दी है तो देंगे कि नहीं। हाँ सर, हाँ एक पहले देख लेते हैं, 69 तुम लोग से बन जाएगा पक्का। 69 क्या हो गया जी, हमर छोड़ते उड़ते नहीं, जैसे कल दे दिए तो बनाया लिए थे सर। इन्हें क्या आधा आधा छोड़ देना, जो नहीं बना पाओगे पूछ लेना, बाबू बोल देते हैं। 70 में पहुंचे, 70 हाँ सर, 70 में क्या बोला, 70 में बोला कि दो धनात्मक संख्या का अंतर है भगवान। तो पहला धनात्मक एक्स, दूसरा धनात्मक वाई का अंतर कितना, 3। उनके वर्गों का योग बाबू, उनके वर्गों का योग, तो उनके वर्गों का योग कितना दे दिया बोलो, 369। कोई दिक्कत कोई परेशानी, तो उन संख्याओं का योग कितना है, तो कल इस तरह बता चुके थे x प्लस वाई निकालने के लिए, क्या जी ने बताए थे, तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर बोले थे लेने के लिए, बराबर क्या होता है जी, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और माइनस 2xy, है कि नहीं। तो इसका वैल्यू दिया हुआ कितना,
9 हो जाएगा ये, एक्स स्क्वायर प्लस वाई कितना दिया है 369 और माइनस 2xy, तो 2xy बराबर कितना हो जाएगा 360, कितना हो जाएगा तो 360 हो जाएगा इधर, तो xy कितना हो जाएगा 180 ना हमारा हो गया। तो x प्लस वाई पूछ रहा है, तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर पढ़ाए थे कि जब भी ऐसा हो तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर और प्लस 4xy, तो हमारा x माइनस वाई कितना है 3 का स्क्वायर 9 और 4 गुने 104 720, तो गया 729, तो 729 किसका होता है 27 का ना जी, तो x प्लस वाई कितना हो गया, ये तो बता चुके थे, बेकार बताए हाँ तो बता दिए थे, इधर दे दिया तो हम की कर सकते हैं कि नहीं। चलो तेजी से बढ़ो आगे, 71 बनाओगे कि नहीं उसको? हाँ सर बना लोगे, 71 भी एकदम उसी तरह का है, मिटा देते हैं, मिटा होगा मिटा दे। हाँ सर, तो यहाँ पे हो गया 71 नंबर हो गया होमवर्क, ठीक है, सेम टू सेम जैसा ही दिख रहा है क्या? यस। आगे बढ़ सकते हैं ना? हाँ सर, ठीक है, मिटा देते हैं ये वाला। क्या बम बम कोई दिक्कत? दिक्कत बम बम झूठ नहीं बोलना, मेरे पास झूठ बोलना पाप है, इससे ज्यादा कोई श्राप नहीं होता है, झूठ नहीं बोलना, गुरु से झूठ नहीं बोलना, देखो गुरु और माँ बाप से कभी झूठ मत बोलना, समझे ना, पाप लगेगा गुरु बात, जो भी बात है फैक्ट बात बता दो, अगर कुछ है इधर उधर तो बता दो। चलो 72 नंबर पे बात हम लोग करते हैं, किसी प्राकृत संख्या के वर्ग, तो प्राकृत संख्या है कितना x, इसका ये वर्ग कितना होता है x स्क्वायर, का त्रिगुणा जानते हो ना, तीन, तीन में से उस संख्या के चार गुने, उस संख्या का कितना कितना गुना, चार गुने घटाने पर प्राप्त संख्या कितना बेसी है 50 बेसी है, हो गया। आप जानते हो ना करने के लिए, 3x स्क्वायर माइनस 4x और माइनस 50 बराबर कितना हो जाएगा जीरो। तो क्या बोला क्वेश्चन वहां में, वह संख्या संख्या खाली ले लो ना ऑप्शन वहां से, पहला नंबर ऑप्शन कहते हैं जी, पहला ऑप्शन चार ले लेते हैं, तो चार अगर ले लेते हैं तो हमारा हो जाएगा 4×16=48 माइनस 4×4 और माइनस जीरो आता है क्या? नहीं सर, जीरो नहीं आया, गलत हो गया। बी नंबर ले लेता इसी बात पे, बी नंबर अगर हम ले लेते हैं पांच ले लेते हैं तो हो जाएगा 5×5 दिया 75 माइनस 5×20 और माइनस, अरे 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 नूनू कहाँ जाएगा बच करके, कहाँ जाएगा, कैसे नहीं आया 50×20 नहीं गड़बड़ हो गई, नहीं आया जी, तुम लोग ने बोला जी, तो छोटा गुना करो, हाँ सी नंबर लेते हैं, तुम लोग बोला नहीं है, तो सी नंबर में क्या बोला जी, 10 लेते हैं, तो 10 लेने पर क्या हो जाएगा 300 10×40 माइनस बराबर, ये कितना, ये और नहीं होगा, कहीं गड़बड़ की है क्या कुछ, अच्छा ठीक है, और लास्ट एक भी बचा जी, तब सात छबे है, तो छ छ कितना हो गया 36 दिया 108 और माइनस 24, अरे किसी में नहीं आया जी, कहीं गड़बड़ कर दिए क्या, चार चौका 16=48 कहीं गड़बड़ कर दिए क्या, फिर से देखो तो फिर किसी प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या के वर्ग मतलब वर्ग के त्रिगुने में, ठीक है, उस संख्या के चार गुने को घटाने पर प्राप्त संख्या, उस संख्या से 50 अधिक, ऐसा बोला अब बैठाओ हो जाएगा रे, कत्ते हम लोग क्या कर दिए, हम लोग क्या कर डाला अरे, तो ये माइनस एक्स इधर आ जाएगा ना जी, ये कितना हो जाएगा 5x हो जाएगा, कितना हो जाएगा 5x, अब बैठाओ हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा पहला ऑप्शन 5 वाला हो जाएगा, चार बराबर शो कर रहा है, चार वाला में लेते हैं 4×16=48 माइनस 20 यानी नहीं होगा, ये
पांच वाला हम लेते हैं, अब पांच वाला हो गया, तब ऐसे भी पांच वाला आंसर वहाँ होता है। ठीक है, गड़बड़वा दिए थे वहाँ पे संख्या से बजा सकते थे, हम पचास अधिक सीधे ले लिए थे। क्या हुआ, कुछ बुझे कुछ पल्ले पड़ा, गलती करोगे तो मिलवा ना करो। यही एक्चुअली होता क्या जानते हो, एग्जाम में एक्चुअली यही होता है। एक चूंकि यहाँ पे हम लोग इत्मीनान से बना रहे हैं फिर भी गलती हो रहा है, और वहां पे क्या होता है धड़पड़ दिमाग खुल नहीं पाता। सूरज का एक्चुअली होता क्या, यही कारण होता है। सब जान रहा बेचारा, समझा नहीं, समझे सब जान रहा है, लेकिन धोके धोआ किया जाता है। ये धोके क्या आएगा कि धुलाई खा किया जाता है तो धोना पड़ता है, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है। लेकिन हाँ, थोड़ा इत्मीनान से रखो, फैशन से रखो। हम बोलते हैं कि एक रनिंग में इतना स्पीड मारना है सही कि दूसरा रनिंग भी मार सके, तीसरा रनिंग भी मार सके, चौथा रनिंग। जैसे राजू क्या करता है, फटाक मार देता है, टाइमिंग सब बचा, हमको लगता है आधा घंटा दे देंगे, नहीं लोग मार देंगे। हाँ, तो मार देंगे है कि नहीं, और दूसरे को टाइमिंग घट जाता है। क्या कारण है इसका, क्या कारण है, प्रैक्टिस, लैक ऑफ प्रैक्टिस। घर में कमाना है, बेन करते हो, सो जाते हो, फिर दूसरा दिन हो जाता है। अभी बोला सात ही दिन होता है, लेकिन सात ही दिन पार हो जाता है। इसमें डेढ़ घंटा देते हम 55 मिनट में सेट मारते दोबारा। तो इसीलिए रफ्तार रखो, स्पीड पकड़ो और सही सही मारने सीखो। अटेम्प्ट बार बार रोज चलाते हैं, अटेम्प्ट ज्यादा लो, ये अटेम्प्ट ज्यादा लो। हाँ, धर्म भी ज्यादा लिया, ज्यादा किया। अभी लोग जब जान रहा ऐसे टॉपर से तो बता रहे थे, वही बात समझे कि ना समझे, तो ध्यान रखना। तो चलो आगे बढ़ते हैं, 73 नंबर। 73 नंबर में क्या बोला जी, 73 नंबर में क्या बोला, किसी काम को बी द्वारा लिए गए समय, ए बी द्वारा लिए गया समय, देखिए बी द्वारा जो समय लिया गया बी लिया गया बराबर ए द्वारा लिए गए समय से कितना बेसी लगता है, ए से 5 घंटा बेसी लगता है। क्लियर, वे दोनों एक साथ जो है काम कितना घंटा में कर देता है, ए प्लस बी कितना, 6 घंटा में कर लेता है मिलाकर। ठीक, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। तो बोलता है ए स्वतंत्र रूप से कितने घंटे में काम, ऑप्शन खाली, ऑप्शन नंबर ए कितना लिया जी बताओ जल्दी से। अगर हम लिया ए कितना 10 घंटा, तो ऑटोमेटिक बी कितना लेगा जी, 15 घंटा। हाँ सर, दोनों मिलकर कितना हो जाएगा, दोनों मिलकर के 30, ये दो, ये हो गया ना सॉरी ये तीन और ये दो, कितना घंटा, 6 घंटा। आंसर हो गया, बस क्या देख रहे हो, देखते ही आंसर आ जाता है जी। 73 का, 73 का बी है जी, गड़बड़ाएगा जी, 15 कहीं गड़बड़वा दिए क्या, किसी काम पहले को करने में बी द्वारा लिए गए, ठीक है सर, ये 5 घंटा अधिक देता है, ये 5 घंटा अधिक देता है। क्या बोला, बी द्वारा लिए गए ए से समय से ए, ओ 5 गलती उल्टा पूरा ले लिए थे सॉरी, इसलिए मिस्टेक हो गई। ए जो है बी से 5 घंटा ज्यादा लेता है ये बोला था, तो ध्यान हम लोग का भटक गया, तो तब भी होगा हमारा ए में तब नहीं हो पाएगा। अगर हम ले लिए तो क्या बोला, ए ए अगर लेते हैं 10 तो ऑटोमेटिक ए कितना लेगा जी, 5, ए कितना लेगा, ए लेता अगर 10 तो बी लेगा 5। फिर से पढ़ना होगा, तुम करवा दीजिएगा। किसी काम को करने में बी द्वारा लिए गए समय से, बी द्वारा लिए गए समय से ए 5 घंटा अधिक लेता है, तो ए जो 5 घंटा बेसी, तो ए ले लिए अगर 10 तो बी कितना हो जाएगा, 5 ना जी, तो 10 और 5 वाला में आ पाएगा कभी, तो इसका ट्रिक को सिखा देता है सीधे, 10 × 5 और नीचे में दोनों जोड़ देता है, मतलब सूत्र होता है जब जब भी दुगो रहे ना, तो ई वाला सूत्र वहां पर जल्दी बनेगा, x/y + x + y, तो 10 × 50 हो गया और 10 × 15 हो गया, कभी आएगा 6 आएगा जी, ठीक है 6 नहीं आएगा। बी नंबर ले लेते हैं, 15 लेते हैं तो ये ऑटोमेटिक 10 होगा, और 15 × 10 और बटे 25, तो 6 का बस आंसर। सर हम 10 कहां से लाए सर, कौन लाता ई वाला 10, अगर ये 15 किया तो बी का समय कितना लेगा, ए माइनस 5, 15 में 5 का कितना होगा 10, चेक करने के लिए लेते हैं। तो क्वेश्चन समझ में आ रहा है, हम लोग को वो द्विघात समीकरण नहीं बनाना है, इसमें सीख चुके हैं हम सब। 74 नंबर पहुंचे, 74 नंबर में क्या बोला प्यारे बच्चों,
74 में भी उसी तरह का कुछ बोला होगा। अरे सेम टू सेम है 74 में, तुम लोग अभी तुरंत बताओ जल्दी से, 74 में जल्दी तुम लोग बताओ क्या आंसर होगा, जल्दी बताओ 74 नंबर में क्या आंसर होगा। इतना देर बनाइएगा जी, कैसे काम चलेगा। हाँ बोलता बुझ जाते हैं, बनाने में तो फंस जाता है। यह वीडियो कट करना है जिसका तुम कर रहे हो। मारा दिन सर कितना नंबर था, 74। अरे तुम तो गजब बता देते हो आंसर। हैं राजू फर्म है तुम, कल तुमको लगता कोई नहीं फसल पाएगा लगता है। कुछ है टिक्की थोड़ा खराब हो गया, जो टिक्की रखा बढ़िया सब टिक्की सब नोच रहा है। बोल रहा था ठाकुर काट दे क्या, बोला नहीं इतना मोटा मोटा टिक्की सब रखता था। और आप सब बिक गया सब टिक्की, तो चले तब 74 नंबर फोकस करते हैं। 74 नंबर भी उसी तरह बोला कि अभिषेक जो है, अभिषेक बाबू अभिषेक जो लेता है समय वो क्या बोला, अनुभव से कितना, अनुभव से 6 दिन कम लेता है। ठीक है तो बोलता दोनों मिलकर के बाबू, दोनों मिलकर के ये दोनों मिलकर के ए बी प्लस ए एन कितना दिन लेता है, 4 दिन। कोई दिक्कत कोई परेशानी, खाली क्वेश्चन में पढ़ लेना कि क्या बोल रहा है। अनुभव ए हमारा क्वेश्चन में अनुभव वाला ऑप्शन दे रहा है, अनुभव कितना दे दिया जी, अनुभव ए अनुभव कितना पाला, पाला है 16। अनुभव अगर 16 है तो अभिषेक अपने आप कितना हो जाएगा, 10 और 16 × 10 जानते हैं ना जी, और इधर कितना हो जाएगा 26 का यू लगता है आ जाएगा। बी नंबर देखते हैं, बी नंबर में क्या बोला कितना दिन दे दिया, 12 वाला तो लगता है आंसर वाला दिया था 12, तो ऑटोमेटिक 12 में 6 गया, 12 × 6/18 तो 12 × 6 = 3। अरे कहां जाएगा बच करके बउआ, ऐसे तारे राजू बुझ गए, कितना मस्त था क्वेश्चन। तो उम्मीद करते हैं कि 75 नंबर आप भी उसी तरह बनाएंगे, 75 भी सेम टू सेम जैसा है कि एक बार देखना ट्राई करके उसी तरह का। 75 नंबर क्या रह गया जी, अंबर कैसे बनाओगे क्या उसी तरह का है तू, सब बुढ़ बना पाओगे फिर बना लेंगे। तो 76 नंबर में क्या बोला बाबू, बनाओ तो बैठे लो 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 तब बनाइए लो तब। जय शिव शंकर जय भोले जय श्री राम जन्म जय माधो के सब को नाम स्वीकार करें भगवान। अगर 60 किलोमीटर सर 76 हम बना देंगे तो 77 आप लोग 60 किलोमीटर सर आंसर वा देखा था बड़े में ना सर, आंसर नहीं देखे हम, देखे 420 का गुणनखंड है 60 आ रहा था, 46 7 घंटा लग रहा है, 70 फिर 10 किलोमीटर बढ़ रहा है तो 6 घंटा कैसे कैसे तुम बताता, लेकिन जो तो मुझे बता देते हैं आंसर बाजी, तो चलो बनाने सिखा देते हैं। तो चलिए हम लोग 76 नंबर फोकस करते हैं, 76 बता देंगे 77 सेम टू सेम। ठीक है तो क्या बोला डिस्टेंस कितना, 420। कोई दिक्कत आज समय दिया काम बेसी का मतलब था दोनों का घटाओ, पहले बता चुके हैं। तो समय बराबर क्या था, दूरी बटे 4 कितना है एक्स है, तो 420/x और माइनस 420/ एक्स प्लस कितना है, कितना चाल बढ़ा दिया गया, चाल कितना बढ़ा दिया 10 बराबर कितना हो गया जी 1 घंटा। बस अगर हम लेते हैं बाबू भैया एक्स का माना ऑप्शन से लेंगे, पहला ऑप्शन लिया कितना 60, तो 60 से अगर देते 7 घंटा हुआ, और 70 का तो 6 हुआ,
सात में माइनस छ आंसर है, कहाँ जाएगा नोनू बस का। ठीक है, तो आज का वीडियो 77 नंबर आपका होमवर्क रह गया, तो 77 नंबर आप लोग बना लीजिएगा। उम्मीद करते हैं आज का वीडियो पसंद आया होगा, क्योंकि हम बनाते हैं आप लोग को मजबूत, शार्प, तेज, जो भी है ईमानदार, सब चीज बनाते हैं। तो देखते रहिएगा और कहीं नहीं जाइएगा, लगातार विक्रम ट्यूटोरियल को देखते रहिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगे और हेल्पफुल लगे, कुछ एनर्जेटिक लगे, तो आप लोग जरूर से जरूर अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए, जिसको सीखना है, चाहे लड़का हो या लड़की, सभी तक पहुंचाना है।